सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक का फरजन हम्मादुद्दीन रफ़ीक आपसे मुखातिब हूँ। आज शहर औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी ने क्यों दिया मेमोरेंडम, देखिए हमारी कैमरे की नज़र से। अखिलेश यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। अखिलेश यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश यादव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादागिरी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम विभागीय आयुक्त कार्यालय पे आए थे, नारेगांव मिसरवाड़ी हिना नगर के अंदर जो दो दिन पहले बरसात की वजह से सैलाब आया था और बहुत लोगों के नुकसान हुआ उसके अंदर। मिसरवाड़ी नारेगांव में जो लोग रहते हैं वो गरीब तबके के लोग हैं जो रोज़ कमा के रोज़ खाते, उसमें 50% लोग तो रिक्शा चला के या रोज़ हमाली करके मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। बाढ़ के वजह से नारेगांव और मिसरवाड़ी के अंदर हुआ ये था कि अपने घर का अनाज पूरा बह गया था, लोगों के घरों में जो अनाज था, खाने पीने के सामान, बिस्तर, कपड़े सब बह के चले गए। सिर्फ आंग के कपड़ों से लोग आज वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री साहब से ये सीधा सीधा सवाल है कि आप नारेगांव की आवाम के लिए 1-1 लाख रुपए प्रति परिवार दीजिए। नारेगांव मिसरवाड़ी के जो गरीब लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है वहाँ का सर्वे करिए, एक कमेटी तश्कील दीजिए और वो कमेटी के जरिए इंक्वायरी करिए कौन कौन से घर का कितना नुकसान हुआ और प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हमारी ये समाजवादी पार्टी की तरफ से डिमांड है। आज आप जो है डिविजनल कमिश्नर दफ्तर आए हैं तो आपके जो शिष्टमंडल है तो इन्होंने क्या डिमांड की है डिविजनल कमिश्नर से? हमारी प्रमुख मांगनी यही थी डिविजनल कमिश्नर साहब से कि 1-1 लाख रुपये प्रति परिवार दिया जाए। हाँ मैडम बोलो। ये नागरिक मंत्री है श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान आंदोलन को समर्थन करने जा रहे थे, धिक्कार रहे थी योगी सरकार के ऊपर जिन्होंने समर्थन देने जाते जाने वाले अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। हम बीजेपी सरकार का निषेध करते हैं और बीजेपी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर इस तरीके की हरकत होगी तो समाजवादी पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतर जाएगी। अगर बीजेपी सरकार ने और योगी सरकार ने अखिलेश यादव को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया तो हम ये सड़कें जाम कर देंगे, रोड पे उतर जाएंगे और समाजवादी पार्टी धरने आंदोलन और निदर्शन करेगी। किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, तो आज किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के सम्माननीय नेता माननीय खासदार अखिलेश जी यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, किसानों के समर्थन के लिए वहां पहुंचे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की यह जातिवादी योगी सरकार ने उनको जानबूझकर जो है तो अरेस्ट किया है। मेरा यह मैसेज है योगी सरकार को, मिस्टर योगी, राजनीति और सरकार में किसी की नहीं रिश्तेदारी, आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी। तुम ये मत समझो वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, तुम्हारा बहुत अहंकार बढ़ गया है और तुम जानबूझकर हमारे राष्ट्रीय नेता जैसे सेकुलर लोगों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी औरंगाबाद ये डिमांड करती है सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव को तुरंत रिहा किया जाए और ये जो अरेस्ट किया गया है इसका कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और जब तक माननीय अखिलेश यादव साहब को रिहा किया नहीं जाएगा इसी तरह हम सड़कों पर उतर कर धरने आंदोलन करते रहेंगे। आपने निवेदन किसको भेजा है? आज हमने माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब को भेजा है, माननीय विभागीय